पिछला दिन खत्म हो चुका है और अब यहाँ पर नया दिन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन कोई तो आ रहा है यहाँ पर। वेट, ये बंदा कौन है? आज उस बिल्डर की कंपनी में जाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर अपने पास वाले गांव के सरपंच की तरफ से, मतलब कि चीफ की तरफ से, हमें एक ऑर्डर मिला है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी शॉप और बनी हुई है, लेकिन मुझे नहीं पता ये किस चीज़ की शॉप है। एक सेकेंड, यहाँ पर ये क्या है? ये कुछ तो विलेजर्स के टॉवर जैसा दिख रहा है, क्योंकि उनका टॉवर भी ऐसा ही होता है कुछ तो, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। मुझे तो ये देखने में एकदम भूतिया सा टॉवर लग रहा है। फिलहाल अभी अंदर जाने को सच में मुझे कुछ ज़्यादा ही डर लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्राफ्ट्स एंड बिल्डिंग क्राफ्ट के नए वीडियो में। सो गाइस, आज हम वापस एक बार क्राफ्ट्समैन खेलने जा रहे हैं। तो लास्ट वाली वीडियो में मैं अपने पास वाली गांव की एक शॉप में गया था, जिस शॉप से हमें बहुत सी चीज़ें बार्टर सिस्टम पे मिल रही थी। अभी बार्टर सिस्टम के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान से चीज़ों के बदले में चीज़ खरीदता है। तो उसी तरीके से वो शॉप चल रही थी, और वहाँ से मैंने अपने लिए कुछ खाने का सामान लिया था, और जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जैसे कि ग्रास ब्लॉक, वो मैंने वहाँ से लिए थे, और ऊपर से मैंने वहाँ से एक रेंट पर डायमंड की स्वॉर्ड भी ली थी। लेकिन उस स्वॉर्ड को अभी मैंने उनको वापस से लौटा दिया है, क्योंकि उसका रेंट कुछ ज़्यादा ही था। और उस वीडियो के एंड में है ना, मुझे उस गांव के चीफ की तरफ से एक पार्टी के लिए इनविटेशन भी मिला था। लेकिन क्या है ना कि मैं इतने दिनों से गेम खेल ही नहीं रहा था, तो इसी वजह से उस पार्टी को मैं अटेंड कर ही नहीं पाया, तो इसी वजह से उस पार्टी में मेरे को जाने को मिला नहीं। लेकिन वो सब बातें छोड़ो, आज है ना हमारे बार्नहाउस को देखने के लिए एक बंदा यहाँ पर आने वाला है, जिसका वेट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। लेकिन पता नहीं वो बंदा कब आने वाला है, क्योंकि उसने मेरे को एग्जैक्ट टाइम बताया नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं, जब भी आएगा हम उसको मिल लेंगे। वैसे गाइस, लगभग एक साल से मैं अपने पास वाले गाँव में गया ही नहीं हूँ। पता नहीं वहाँ पर क्या डेवलपमेंट हुई होगी, या फिर कुछ भी नहीं हुआ होगा, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिलहाल तो ये एंडरमैन मेरे पीछे पड़ चुका है, मैं सुबह सुबह इससे मरना नहीं चाहता, और अच्छा हुआ मैं उससे बच चुका हूँ, लेकिन ये वापस से आ गया। भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है यार, अभी तेरे को मेरे पीछे पड़ना था, अभी मैंने वीडियो स्टार्ट करी और ये सुबह सुबह मेरी वीडियो के अंदर पूरा मूड ख़राब कर रहा है यार, सच में। कोई बात नहीं, वैसे गाइस आज है ना एक बंदा हमारे इस बार ना उसको देखने के लिए आने वाला है, तो मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। वो कब आएगा ये उसने टाइम वगैरह कुछ बताया नहीं, लेकिन वो हमारे बार्नहाउस को इसलिए देखने आने वाला है, क्योंकि वो ऐसे और बार्नहाउस बिल्ड करना चाहता है। तो वो हमारा बार्नहाउस देखेगा और उसके बाद ऐसे ही और बार्नहाउस बिल्ड करेगा। लेकिन यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, एक क्रीपर फटा था जिसकी वजह से यहाँ के दो ब्लॉक्स तो निकल ही चुके हैं, और आसपास बहुत ज़्यादा गड्ढे हो चुके हैं। तो वो बंदा ये सब कुछ ना ही नोटिस करे तो अच्छा होगा। वैसे अभी मेरे को यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, पता नहीं कितनी देर वेट करना पड़ेगा, लेकिन करते हैं, देखते कब आएगा। यार इतनी देर हो चुकी है, लेकिन पता नहीं वो बिल्डर कहाँ रह गया, कितनी देर से, मतलब पिछला दिन ख़त्म हो चुका है और अभी यहाँ पर नया दिन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन कोई तो आ रहा है यहाँ पर। वेट, ये बंदा कौन है? इसके नाम मेरे को दिख नहीं रहा, ये ढूंढ रहा है कुछ, तो शायद से यही हो सकता है वो बंदा जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। हाँ वही है, शायद से इसे बात करके देखते हैं, बिल्डर ही नाम है इसका, शायद से ये अपने बार्नहाउस को देखने के लिए आया हुआ है। ओके गाइस, तो अभी मेरी इस बिल्डर के साथ बात हो चुकी है और मैंने इसे परमिशन दे दी है अपना बार्नहाउस देखने के लिए, तो अभी ये जाएगा और बार्नहाउस को देखेगा। यहाँ कहाँ ढूंढ रहा है, सामने जा वो रहा बार्नहाउस, आई थिंक इसे बार्नहाउस के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसकी वजह से ये समझ नहीं पा रहा था कि बार्नहाउस आखिर है क्या। कोई बात नहीं, अभी ये जा चुका है देखने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको अपना ऑटोमेटिक फार्म भी दिखा दूँ, जिससे कि ये और ऐसे फार्म बिल्ड करेगा एंड हमें और फ़ायदा होगा। यार पता नहीं ये और कितनी देर हमारे बार्नहाउस को ऐसे ही देखने वाला है। वैसे आई थिंक इसका हो चुका है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये दो ब्लॉक्स जो यहाँ पर नहीं है वो नोटिस करे। भाई वो वहीं पर ही जा रहा है, कोई बात नहीं, आई थिंक उसने नोटिस कर लिया, और शायद इसका हो चुका है पूरा बार्नहाउस देख के, देखते इससे बात करके। ओके, तो इससे भी मेरी बात हो चुकी है, ये मुझे पूछ रहा था यहाँ के जो दो ब्लॉक्स नहीं हैं वो क्या इस बार्नहाउस की डेकोरेशन का हिस्सा है, लेकिन मैंने इसको बोल दिया कि यहाँ पर एक क्रीपर का ब्लास्ट हुआ था जिसकी वजह से वहाँ पर वो दो ब्लॉक्स नहीं है, तो वो मान चुका है। और अभी यहाँ पर रात हो रही है, वो अभी उसका काम हो चुका है, तो वो यहाँ से निकलने वाला है, और उसने अभी तक मेरे को है ना कुछ दिया नहीं है, मतलब कि उस बार्नहाउस को देखने के बदले में वो मुझे कुछ ना कुछ देने वाला था,
तो वो अभी तक उसने मुझे दिया नहीं है। उसने मुझे कहा कि तुम खुद मेरे कंपनी में आकर मुझसे वो लेके जाना, मतलब वो मुझे कुछ ना कुछ देगा, तो इसीलिए कल हम उसकी कंपनी में जाने वाले हैं। ओके गाइस, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट डे हो चुका है और मुझे आज उस बिल्डर की कंपनी में जाना है क्योंकि उससे मुझे पेमेंट जो लेनी है अपना बार्न हाउस दिखाने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर अपने पास वाले गांव के सरपंच की तरफ से, मतलब कि चीफ की तरफ से, हमें एक ऑर्डर मिला है। मुझे ये ऑर्डर से ज़्यादा तो वार्निंग लग रही है। उसने मुझे कहा है कि मुझे अपने वर्ल्ड के अंदर कुछ भी बिल्ड नहीं करना है, इसी वजह से मैं कुछ भी बिल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मुझे जानना है कि ये ऑर्डर उसने मुझे क्यों दिया है, पता नहीं। इसके बारे में हमको उस गांव में जाकर ही पता चलेगा। और वो अपना दोस्त भी है, लेकिन दोस्त है इसलिए हम उसके रूल का पालन ना करें ऐसा हम नहीं कर सकते। और मुझे चीफ से दुश्मनी मोल लेने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। फ़िलहाल तो अभी गांव में चलते हैं, मुझे उस बंदे की कंपनी को देखना है सबसे पहले, तो क्योंकि पता नहीं यार गांव में कंपनी कब बन गई। फ़िलहाल तो अभी तक यहाँ से मैंने 2022 को हटाया नहीं है, 2023 शुरू हो गया लेकिन ये अभी तक यही है। ओके गाइस, तो अभी बहुत दिनों के बाद मैं वापस से आ चुका हूँ अपने पास वाले गांव में, जहाँ पर मुझे कुछ भी बदला हुआ दिख ही नहीं रहा। यहाँ पर सामने की तरफ अपना क्लिनिक भी वैसे का वैसा ही है और यही है वो शॉप जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा था, यही है वो बार्टर सिस्टम वाली शॉप। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी शॉप और बनी हुई है, लेकिन मुझे नहीं पता ये किस चीज़ की शॉप है, कभी ना कभी बाद में आकर देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल है ना, मैं यहाँ पर एक न्यूज़पेपर की शॉप ढूंढ रहा हूँ और मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा वरना मैं कंपनी को ढूंढ नहीं पाऊँगा। लेकिन ये क्या है भाई साहब, क्या यही तो कंपनी नहीं है? लेकिन नहीं यार, ये कंपनी कैसे हो सकती है? और बाकी सब कुछ तो एकदम वैसे का वैसे ही है, मीटिंग हॉल भी एकदम जैसा पहले था वैसा ही है। और अगर हम आगे जाकर देखें तो यहाँ पर फार्म्स भी एकदम वैसे के वैसे है, यहाँ पर कुछ नहीं है। और सामने की तरफ कुछ और बनता हुआ दिख रहा है मेरे को, और पता नहीं है क्या, और उस तरफ भी कुछ ना कुछ तो बन रहा है, पता नहीं यार ये क्या ही बनता जा रहा है इस गांव में। मतलब डेवलपमेंट कुछ ज़्यादा ही तगड़ी स्पीड में हो रही है यहाँ पर, लेकिन कुछ ज़्यादा हुई नहीं है। मेरे को लगा था कि पूरा गांव एकदम बहुत ही ज़्यादा तगड़ा बन चुका होगा। लेकिन ये सब बातें छोड़ो, मुझे ना यहाँ पर एक न्यूज़पेपर वाली दुकान ढूंढनी है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो कहाँ पर है, तो इससे बात करके देखते हैं, शायद से इसे पता होगा। ओके गाइस, तो अभी मेरी इस बंदे के साथ बात हो चुकी है और जिस न्यूज़पेपर की शॉप को हम ढूंढ रहे थे वो यही शॉप है। और मुझे उस बिल्डर ने बताया था कि मुझे इस शॉप से, इस न्यूज़पेपर की शॉप से राइट डायरेक्शन में एकदम स्ट्रेट जाना है तो मुझे उसकी कंपनी मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि इस दुकान वाले के पास आखिर किस तरह के न्यूज़पेपर्स है। ओके गाइस, तो इससे मैंने एक इम्पॉर्टेंट बुक ले ली है जो है सेरम बुक। सेरम्स हमारे इस वर्ल्ड की करेंसी है, तो उसके बारे में इस बुक के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो वो हम पढ़ेंगे कभी ना कभी। फ़िलहाल अभी यहाँ से चलते हैं और ये हमारा मस्त क्लिनिक, आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन यहाँ से अगर आप देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक क्लिनिक है। फ़िलहाल तो अभी मेरे को इसी डायरेक्शन में जाना है, पता नहीं कितनी देर चलना पड़ेगा लेकिन चल के देखते हैं। तो गाइस, मुझे चलते चलते बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है और यहाँ पर बारिश भी शुरू हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक वाली, लेकिन मुझे अभी तक वो कंपनी मिली नहीं है। मैं उस कंपनी को कब से ढूंढ रहा हूँ। फ़िलहाल तो अभी किसी जंगल में मैं आ चुका हूँ और आगे चलते हैं। अभी भी मैं उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पर ये क्या है? ये कुछ तो पिलेजर्स के टावर जैसा दिख रहा है, क्योंकि उनका टावर भी ऐसा ही होता है कुछ तो, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। शायद से यही तो कंपनी नहीं है। वैसे देखा जाए तो ये बिल्डिंग कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, मुझे तो यही कंपनी लग रही है। शायद से हमें अंदर चल के देखना चाहिए, वैसे इतना ख़तरनाक वेदर है और हम ये किसी सुनसान जगह पर आ चुके हैं। पता नहीं यार ये टावर जिस कंपनी को हम ढूंढ रहे वही है या फिर कुछ और ही ख़तरनाक सी जगह है। मुझे तो ये देखने में एकदम भूतिया सा टावर लग रहा है, मतलब कि भूतिया बंगला होता है लेकिन ये टावर कुछ भूतिया सा ही लग रहा है यार। और यहाँ पर माउंटेंस भी है कितने बड़े बड़े, कैसे सी जगह पर ये टावर बना हुआ है। और यहाँ पर ये वाटरफॉल भी एकदम नेचुरल तो नहीं है, किसी ने बनाया है यहाँ पर। शायद से अभी मुझे अंदर जाना ही चाहिए क्योंकि मैं और यहाँ पर वेट नहीं कर सकता, रात भी होने ही वाली है। और अभी चलते हैं अभी अंदर, कंपनी यही होनी चाहिए क्योंकि उसी डायरेक्शन में मैं आया हूँ। फिलहाल अभी अंदर जाने को सच में मुझे कुछ ज़्यादा ही डर लग रहा है, लेकिन देखते चल के देखते एक बार। वैसे यहाँ पर किसी का नाम दिख रहा है मुझे,
और यही है वो कंपनी भाई, बिल्डर का नाम है यहाँ पर, बिल्डर ही अंदर। और ये कैसा सिस्टम यहाँ पर बना के रखा है भाई, अंदर कैसे जाऊँगा मैं, ये क्या है भाई। वेट, मेरे को जल्दी से करना पड़ेगा, लेट्स गो, अंदर आ चुका हूँ मैं। और ये देखो यहाँ पर खड़ा है, इससे बात करते हैं जल्दी से। ओके गाइस, तो अभी इसने मुझे पेमेंट तो कर दिया है, और उसी के साथ मैंने इसको पूछा था कि क्या मैं इसके कंपनी के अंदर काम कर सकता हूँ। तो इसने मुझे बताया कि, मतलब इसने मुझे ऊपर पूछा कि क्या तुम्हारे पास क्वालिफिकेशंस है, मतलब कि यहाँ पर काम करने के लिए ना कुछ क्वालिफिकेशंस लगती है, ऐसा ही मुझे कह रहा था। पता नहीं यार कौन सी क्वालिफिकेशंस की बात कर रहा था। वैसे बहुत मस्त कंपनी है ये, इसके अंदर हर ऑफिसर के लिए शायद से एक एक रूम बना हुआ है सेपरेट। भाई मुझे तो यहाँ पर काम करना है, लेकिन मैंने उसको धमकाने की भी कोशिश की, अगर वो मुझे काम पर नहीं रखता है तो मैं उसके, मतलब उसका कॉम्पिटिटर बन जाऊँगा और उसकी कंपनी को बर्बाद कर दूँगा। लेकिन फिर भी वो नहीं माना, क्योंकि उसको क्वालिफिकेशंस चाहिए और उसी के बलबूते पर वो मुझे काम पर रखेगा। पता नहीं यार, गांव में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है जिसका मुझे पता नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है, और कल रात हम उस बंदे के कंपनी में गए थे, तब कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक सा वेदर हुआ था, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मस्त एकदम वेदर हो चुका है। और उसने मुझे पेमेंट भी कर दी थी, लेकिन वो मैंने आपको दिखाया नहीं था, तो वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। वैसे उसने मुझे ना पेमेंट के तौर पर हे बिल दिए थे, मतलब कि ये देखो यहाँ पर ये 36 हे बिल। वैसे मतलब बुरा डील नहीं था, क्योंकि हे बिल भी मतलब बहुत ही ज़्यादा होते हैं, और मेरे को तो एकदम बराबर का डील लगता है ये, इसी वजह से मैंने उसको कुछ कहा नहीं। वैसे अगर हमें सेरम्स मिल जाते, मतलब कि हमारे गांव की करेंसी मिल जाती, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता। वैसे मुझे नहीं पता कि उस बंदे के कंपनी में काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेकिन उसके बारे में भी हम पता लगा ही लेंगे। और मुझे चीफ की जो वार्निंग हमें मिली है उसके बारे में भी सबसे पहले पता लगाना है, क्योंकि जब तक वो वार्निंग वहाँ पर, मतलब वो ऑर्डर वहाँ पर है, तब तक मैं कुछ भी बिल्ड नहीं कर पाऊँगा, तो वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे ऐसे और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिए रखिए चैनल को, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।